स्टूडेंट्स, आज हम फाइल फोल्डर और फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट होते हैं वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, हमें पहले माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में न्यू, कौन सा ऑप्शन लेना है? न्यू। न्यू में से फोल्डर, बहुत ही आसान है। देखो मैं फिर से करके दिखाती हूँ। राइट क्लिक माउस से करना है न्यू, न्यू में से फोल्डर। तो यहाँ पे हमें जो भी फोल्डर का नाम लिखना हो हम यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि विजन, वी आई एस आई ओ एन। मैंने यहाँ पे विजन का फोल्डर क्रिएट किया, आप देख सकते हो। तो अभी हमें सब फोल्डर क्रिएट करना है। सब फोल्डर मीन्स के फोल्डर के अंदर फोल्डर हमें क्रिएट करना, इसको हम क्या कहेंगे? सब फोल्डर। देखो बच्चों, मैं सब फोल्डर क्रिएट करती हूँ। सब फोल्डर बनाने के लिए हमें ये फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, जिसको हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन है। डबल क्लिक भी हम कर सकते हो तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, तो इसी तरह से मेथड है राइट क्लिक न्यू और फोल्डर। तो ये बन गया सब फोल्डर। सब फोल्डर मीन्स के फोल्डर के अंदर फोल्डर, इसको हम क्या कहेंगे? सब फोल्डर। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं, वी आई एस आई ओ एन, विजन। तो इसके अंदर हम फाइल, इसके अंदर हमको फाइल क्रिएट करनी है। इसके अंदर हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखो बच्चों, ये हमें ओपन करना पड़ेगा। फाइल क्रिएट करना है तो ये हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये फाइल मेनू बार है, तो यहाँ से हमें फाइल में जाना है, उसे हमें न्यू में जाना है। जो भी फाइल हमें क्रिएट करनी है, वर्डपैड की, टेस्ट की, एक्सेल की, जो भी हमें फाइल सेव करनी है वो हम कर सकते हैं, एड करनी हो तो। देखो मैं वर्ड की डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स की उसकी फाइल में एड करती हूँ। तो देखो बच्चों, ये फाइल एड हो गई। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे ये चार्ट है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह हमें फोल्डर, सॉफ्ट फोल्डर और फाइल की चार्ट क्रिएट करनी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे क्रिएट होता है चार्ट पूरा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में सब क्रिएट किया। तो डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी कहाँ पे आती है? तो यहाँ पे स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन में जाना है डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। ये सब लाइब्रेरी से म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर, सभी अलग अलग लाइब्रेरीज पे। हमें कहाँ पे जाना है? डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरीज में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाना है, तो यहाँ पे हमें फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरीज हमने ओपन की और नेक्स्ट क्या आता है? स्पोर्ट्स का फोल्डर। तो यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स का फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैंने बच्चों आपको बताया था फोल्डर कैसे क्रिएट होता है। राइट क्लिक न्यू और इसमें फोल्डर। तो कौन सा फोल्डर हमें क्या नाम देना है उसका? स्पोर्ट्स, एस पी ओ आर टी एस। नेक्स्ट, ने स्पोर्ट्स फोल्डर में सब फोल्डर क्रिएट किए हैं, इंडोर और आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पे हम सब फोल्डर दो क्रिएट करने पड़ेंगे, एक तो इंडोर है और आउटडोर। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स का फोल्डर ओपन, सब फोल्डर बनाने के लिए हमें स्पोर्ट्स का फोल्डर है वो ओपन करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके ओपन, और डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम सब फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे हमें क्या नाम देना है? इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स से आपको पता ही है, आउटडोर। इंडोर मीन्स के हम जो घर पे खेल सकते हो, आउटडोर मीन्स के हम घर के बाहर ग्राउंड में खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स, और नेक्स्ट फोल्डर विशेष कौन सा फोल्डर था? नेक्स्ट फोल्डर आउटडोर फोल्डर, आउटडोर। आउटडोर गेम्स
देखो बच्चों, हमें ये सब फोल्डर क्रिएट कर दिए, इंडोर और आउटडोर। नेक्स्ट क्या है, उसमें अंदर फाइल्स क्रिएट किए। देखो ये फाइल्स है, कौन सी फाइल है, इंडोर गेम्स चेस और कैरम, और आउटडोर में कौन सी है, फुटबॉल और हॉकी। इसका हमें फोल्डर नहीं क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, फाइल्स। तो पहले तो फाइल्स के ऐड करनी हो तो हमें इससे पहले इंडोर गेम्स का फोल्डर है वो ओपन करना पड़ेगा। राइट क्लिक, ओपन, फिर ही हमें फाइल में जाना है, न्यू में, और जो भी हमें फाइल लेनी है, टेक्स्ट के वो एक्सेल की फाइल हो, पावर पॉइंट की, वो अलग अलग फाइल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेती हूँ। यहाँ पे मुझे जाना है, तो यहाँ पे मुझे फाइल का नेम क्या था, चेस, CHESS, चेस, और दूसरा कैरम। तो फिर से हमें फाइल में जाना है, न्यू में, और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स लेना है, और दूसरी फाइल का नाम क्या है, कैरम। तो अभी हमें इंडोर गेम्स का काम कंप्लीट कर दिया है, चेस और कैरम फाइल्स ऐड हो गई है। अभी हमें कौन से फोल्डर में दो फाइल्स ऐड करनी है, आउटडोर गेम्स में, फुटबॉल और हॉकी। तो यहाँ पे हमें बैक जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम बैक, देखो ये आप बैक का है पॉइंट, तो यहाँ पे हम बैक होंगे, तो ये आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पर भी हमें दो फाइल्स ऐड करनी है, फुटबॉल और हॉकी। राइट क्लिक, सॉरी, फाइल में थी, फाइल में से न्यू में, फुटबॉल। तो यहाँ पर भी मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या नाम देना है, फुटबॉल। और दूसरी फाइल न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या देना है, ओके, HOCKEY। तो ये हमारा आउटडोर्स में हमें दो फाइल सेट कर दी है, फुटबॉल और हॉकी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो फुटबॉल, देखो बच्चों, ये हमने इंडोर गेम्स आउटडोर्स गेम्स बना दिए फोल्डर्स, और इंडोर्स गेम में मैं ओपन करती हूँ, तो यहाँ दो फाइल है, कैरम और चेस। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट फाइल ओपन कर सकती हूँ, ये कैरम। देखो बच्चों, हमें कैरम में जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करनी हो तो यहाँ से हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।